गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 मैक्सिमम मिनिमम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम। तो फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टेटमेंट। ए स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। कहते हैं हमारे पास एक स्क्वायर शीट है 10 की, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। इज टू बी मेड इन टू ए बॉक्स। उस शीट से एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, बिना ढक्कन का। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। उसके हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट करना है। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। उसके फ्लैप को फोल्ड करना है टू फॉर्म द बॉक्स, ताकि वो एक बॉक्स बन जाए। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। कह दो स्क्वायर की साइड कितनी होगी टू बी कट ऑफ, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, ताकि उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बन सके। चलो पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो कि पहले हमारे पास एक ये शीट है, ठीक है, 10 की शीट है। इसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी कितना है, 18 सेंटीमीटर, 18 और 18, ठीक है ना। तो कहता है कि इसके कॉर्नर से चार स्क्वायर काट लो। देखो, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर लो, एक स्क्वायर यहाँ से काट लो, एक स्क्वायर यहाँ से काट लो और एक स्क्वायर यहाँ से। चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर को कट कर लो, ठीक है। देखो, यहाँ से इसको पकड़ो, यहाँ से इस तरह से इसको कट कर दो, सुन में, ठीक है। इस तरह से इसके चारों कॉर्नर को काट दो। चारों कॉर्नर को कट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, चार कॉर्नर कट कर। अब इसके फ्लैप्स को फोल्ड करो। ये इसका फ्लैप्स है, ठीक है, ये फ्लैप्स। इस फ्लैप को इस तरह से फोल्ड कर दो, ठीक है, यहाँ से भी फोल्ड कर दो, ठीक। इस फ्लैप को फोल्ड करें एंड लास्ट दिस वन, ठीक है। फोल्ड करके इसको ओपन कर दो। देखो हमारे पास क्या बन गया, एक ये बॉक्स बन गया, ठीक है, बिना ढक्कन के, ओपन एट द टॉप, ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, क्लियर। अब इस और कहता है कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो निकालना है, और उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और इसके वॉल्यूम का ही डेरिवेटिव करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आता ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो उसी का डेरिवेटिव। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से रीड करो। ए स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। चलो पहले एक स्क्वायर शीट ले लेते हैं, क्लियर। इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर, 18, 18 और 18, ठीक है। स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू ए बॉक्स। इससे एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, बिना ढक्कन का। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसके हर एक कॉर्नर को कट कर दो। देखो, यहाँ से स्क्वायर काट दो, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इस स्क्वायर को कट कर दो इंटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, ठीक है ना। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, ताकि वो एक बॉक्स बन जाए। इसके फ्लैप्स को फोल्ड करोगे, अभी मैंने एक बॉक्स बनाकर दिखाया था, ठीक है, इस तरह का एक ये बॉक्स बन तैयार हो गया, क्लियर बेटा। फिर वो कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। कहता है जो स्क्वायर आपने यहाँ से काटा इसकी लेंथ कितनी है ये बता दो। तो जो फाइंड करना है वो लेट कर लो। तो मान ले स्क्वायर की साइड कितनी है एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स, राइट हेयर ऑल्सो एक्स, क्लियर। अब आगे क्या कहते हैं, बट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम वॉल्यूम। कहता है अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले इस बॉक्स की लेंथ तो निकाल लो, इसका कॉर्नर कट किया तो इसकी लेंथ कितनी बनी वो बताना है। देखो ध्यान से, फिर से वही डायग्राम, ये बॉक्स था, इसकी लेंथ कितनी थी, 18। एक्स इधर से कम हो गई, एक्स इधर से कम हो गई, तो इस बॉक्स की लेंथ कितनी बन गई, बोलो बोलो कितनी बन गई, सोच लो। यस, 18 माइनस 2x, ठीक है, 18 माइनस 2x। ब्रेड्थ बताओ, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, तो एक्स इधर से कम हो गया, एक्स इधर से, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, 18 माइनस 2x। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो गई। हाइट कितनी हो गई, सोच लो ध्यान से,
देखो ध्यान से इसमें एक्स हाइट कितनी होगी, एक्स देखो जितना आपने यहाँ से कट किया उतना ही तो इसको फोल्ड किया है ना, जितना काटा उतना ही फोल्ड किया, तो इसकी हाइट कितनी बन गई एक्स। क्लियर? अब वॉल्यूम निकाल लो इस बॉक्स का, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो वॉल्यूमेरिकल लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ है 18 माइनस 2x और हाइट कितनी ये x। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो, दो बार डेरिवेटिव माइनस आ गया तो मैक्सिमम, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और x की वैल्यू तो निकल ही आएगी, वो जो क्रिटिकल हम निकालते थे, ठीक है। टू कॉमन इन दिस ब्रैकेट, टू कॉमन आल्सो इन दिस ब्रैकेट, 2 2 जब 4, 2 9 18 और x 2 कॉमन, 2 9 18 और x, दोनों ब्रैकेट सेम है, होल स्क्वायर कर दो उधर ही x, ठीक है। होल स्क्वायर खोलो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9 स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 9 18x और यहाँ x, इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 81x प्लस एक्स क्यूब 18x स्क्वायर, यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 81x का 81 पावर आगे एक पावर कम 36x। क्लियर? कुछ कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, कितना बोलो, 3 4 3 जा 12, 3 कॉमन तो एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन 12x, 3 2 जा 6, 3 7 21, ये dv/dx। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे करते हैं आगे कंटिन्यू। dv/dx, राइट सेम लाइन, 12 और एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 12x प्लस 27, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, लेट dv/dx इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, तो सारा 0 लिख दो, इसके फैक्टर करो, 9 और 3 12, 9 3 27, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12 से डिवाइड तो आधे बिट क्रिए ये 0, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी एक सिलेक्ट, 9 तो रिजेक्ट हो गई, बिकॉज इसकी लेंथ अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे 9 पुट कर दूँ तो 9 to 18 में से 18 गया 0, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 0, अगर यहाँ पर एक्स के 9 to 18 में से 18 गया 0 0, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ तो 0 हो गई, तो वो इसका बॉक्स तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वो 9 रिजेक्ट, तो ये 3 आ गया, इसी को ही हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जो वैल्यू सिलेक्ट होगी क्रिटिकल, जो सिलेक्ट नहीं होगी क्रिटिकल नहीं कहलाएगी। दोबारा डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 12 एक्स के 2x, 12x का 12, 27 का डेरिवेटिव 0, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 2 3 माइनस 12, यहाँ से 12, 2 3 जो 6, माइनस 12 माइनस 6 नेगेटिव, तो इसका वॉल्यूम क्या बन गया मैक्सिमम, तो यहाँ पे लिखे हैंस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एज मैक्सिमम, उसने कहा था कि कितना कितना कट किया जाए, कितना कटा जाए 3 सेंटीमीटर, 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर 3 3, अगर 3 3 कट करोगे तो जो बॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा मैक्सिमम, बड़े से बड़ा आपका बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, और ये क्वेश्चन था 17। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है, ट्राई योर सेल्फ, मुझे लगता है ये आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, ठीक है। ओके थैंक यू, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके थैंक यू।